हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गूगल डॉक्स में इमेज को इंसर्ट करना और एडिट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लैपटॉप यूज करके एक गूगल डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करना और एडिट करना सीखते हैं। लैपटॉप में आपको टूल बार में यहाँ पे इमेज का आइकन दिखेगा जिसका नाम है इंसर्ट इमेज, और अगर इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ इमेज अपलोड करने के काफी ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, मतलब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के लोकल फोल्डर से भी इमेज को अपलोड कर सकते हो। दूसरा है सर्च द वेब, मतलब आप इंटरनेट पे इमेज को ब्राउज करके यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी तीन चार और ऑप्शन है, जैसे आप अपनी गूगल ड्राइव से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो या गूगल फोटोज से भी इंपोर्ट कर सकते हो। उसके नीचे है बाय यूआरएल, मतलब इमेज के यूआरएल या वेब लिंक से भी उसको इंसर्ट करवा सकते हो, या फिर लैपटॉप का कैमरा यूज करके भी यहाँ पे डायरेक्टली इमेज को इंपोर्ट करवा सकते हो। तो लैपटॉप में आपको इमेज अपलोड करने के लिए काफी ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी ऑप्शंस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम जो सेकंड ऑप्शन है सर्च दी वेब, तो उसको ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसका नाम है सर्च फॉर इमेजेस। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज को सर्च कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट साइबेरियन हस्की डॉग्स के बारे में है, तो लेट से मैं यहाँ पे हस्की सर्च करूंगा। जैसे ही आप हस्की सर्च करोगे, यहाँ पे हस्की या साइबेरियन हस्की की बहुत सारी इमेजेस आ जाएगी, एंड यहाँ पे हर एक इमेज के नीचे आपको प्लस या मैग्नीफायर का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उस पे क्लिक करके उस इमेज की डिटेल जान सकते हो या उसके यूजेज राइट्स चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है इमेज इज लेबल्ड फॉर कॉमर्शियल यूज विथ मॉडिफिकेशन, मतलब इस इमेज में हम कुछ भी मॉडिफाई करके या इसको एडिट करके अपने कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी इमेज ठीक लगे उसको सेलेक्ट कर लो, लेकिन जो भी इमेज को यूज करोगे उसके यूजेज राइट्स या लाइसेंस वगैरह जरूर चेक करें। उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस गूगल डॉक्यूमेंट में हमने एक साइबेरियन हस्की की इमेज को इंसर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम इस इमेज को एडिट करने के ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे ही आप इस इमेज पे क्लिक करोगे, यहाँ एजेस पे काफी सारे डॉट्स अपियर हो जाएंगे, तो उन डॉट्स के जरिए इस इमेज को आप रिसाइज कर सकते हो। तो लेट से हम इसको रिसाइज कर दिए। यहाँ पे इमेज के नीचे आपको टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे इनलाइन, रैप टेक्स्ट, ब्रेक टेक्स्ट, एंड हर एक ऑप्शन का एक लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे जो लाइन है वो एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो स्क्वायर है वो इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट से मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे इमेज और टेक्स्ट है वो एक दूसरे में अलाइन हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इमेज को मूव करवाओगे, उस हिसाब से लेफ्ट और राइट साइड में टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम ब्रेक टेक्स्ट सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में कुछ भी टेक्स्ट नहीं रहेगा, बस टॉप एंड बॉटम में रहेगा। अगर हम इनलाइन टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे इमेज का जो बॉटम एज है उसके पास थोड़ा सा टेक्स्ट है। एंड यहाँ पे ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट, उस पर क्लिक करोगे तो इमेज टेक्स्ट डेटा के पीछे चली जाएगी। उसके बाद है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, उस पर क्लिक करोगे तो इमेज टेक्स्ट डेटा के आगे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डेटा इमेज के पीछे छुपा हुआ है। इसके बाद राइट साइड में कुछ पोजिशन ऑप्शन है, जैसे अभी है मूव विथ टेक्स्ट, मतलब अगर टेक्स्ट डेटा को मूव करवाओगे तो साथ साथ में इमेज भी मूव होगी। लेट से मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेटा को मूव करवाऊंगा, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हो इमेज का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। अगर हम इसको चेंज करके फिक्स पोजीशन ऑन पेज कर देंगे, तो अब इस इमेज का पोजीशन पेज पे फिक्स हो गया है। अगर आप टेक्स्ट को मूव करवाओगे तो भी इस इमेज की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो हम इसको फिर से अंडू कर देते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ पोजीशन ऑप्शंस और दिखेंगे, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट साइड में एक टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मूव विथ टेक्स्ट फिक्स पोजीशन ऑन पेज दिया हुआ है, एंड उसके नीचे आपको एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। लेट से मैं यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट चेंज करूंगा, तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे एक्स का डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे इमेज राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर हम वाई का बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इमेज वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। तो ऐसे आप एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट है उनको भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद पोजीशन ऑप्शंस के राइट में आपको थ्री डॉट्स दिखेगी जिनका नाम है इमेज ऑप्शंस, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको साइज एंड रोटेशन, एडजस्टमेंट्स एंड ऑल इमेज ऑप्शंस दिखेंगे। तो हम यहाँ पे ऑल इमेज ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे साइज एंड रोटेशन, पोजीशन, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम साइज एंड रोटेशन चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप इमेज की विड्थ एंड हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। लेट से मैं विड्थ को बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे जैसे जैसे विड्थ बढ़ा रहे हैं इमेज की हाइट भी बढ़ रही है। उसका रीजन है कि यहाँ हमने लॉक एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर रखा है। अगर इसको अनसेलेक्ट कर दोगे, फिर अगर हम लेट से विड्थ बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे इमेज का सिर्फ विड्थ बढ़ेगा। ऑलराइट, तो ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो इसको सेलेक्ट रखना चाहिए आपको, क्योंकि इससे इमेज की हाइट और विड्थ दोनों एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा नीचे विड्थ एंड हाइट का आप स्केल भी एडजस्ट कर सकते हो, तो उस पर क्लिक करके भी आप इमेज की हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो ये सारे वही ऑप्शन है जो हमने यहाँ शॉर्टकट में एक्सप्लोर किए थे, जैसे इनलाइन टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट, ब्रेक टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद आपको पोजीशन का ऑप्शन दिखेगा, तो इसको भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है, जैसे मूव विद टेक्स्ट, फिक्स पोजीशन ऑन पेज। इसके बाद एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पोजीशन में आपको कुछ क्विक लेआउट्स भी दिए हुए हैं। लेट्स से हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो इससे इमेज टॉप लेफ्ट में चली जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट के टॉप लेफ्ट में इमेज चली गई है। अगर टॉप सेंटर में रखना है तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करो। थर्ड ऑप्शन है टॉप राइट।
इसके अलावा भी आपको 5-6 और ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे सेंटर लेफ्ट है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर राइट है, तो ऐसे आप इमेज की पोजिशन है उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको रीकलर का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आप इमेज का कलर चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए नो रीकलर सिलेक्टेड है, अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इमेज के अलग अलग कलर्स दिखेंगे। लेट से हम यहाँ पे ग्रीनिश कलर करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा, या फिर आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अभी के लिए हम नो रीकलर ही रख देते हैं। इसके बाद रीकलर के नीचे आपको एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, तो इस एरो पे क्लिक करके आप इस इमेज की ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हो। लेट से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देते हैं। बट इन एडजस्टमेंट से ये इमेज थोड़ी बकवास लग रही है, तो आपको नीचे रीसेट का ऑप्शन भी दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप इमेज के एडजस्टमेंट्स को रीसेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको टूल बार में भी इमेज एडिट करने के कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे सबसे पहला ऑप्शन है बॉर्डर कलर, तो इसका बॉर्डर कलर लेट से हम रेड कर देते हैं। उसके बाद है बॉर्डर वेट, मतलब बॉर्डर का वेट कितना रखना है, लेट से हम इसको 4 पॉइंट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर डेस, मतलब किस टाइप का बॉर्डर रखना है, तो लेट से हम इसको यहाँ पे डोटेड बॉर्डर रख देते हैं। इसके बाद आपको क्रॉप इमेज का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। तो लेट से हम इस इमेज को इतना क्रॉप करके एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ से इमेज क्रॉप हो गई, या फिर आप इमेज पे डबल क्लिक करके भी इसको क्रॉप कर सकते हो। इसके बाद क्रॉप के राइट में आपको रिसेट इमेज का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आप इमेज को इनिशियल स्टेट में ले जा सकते हो, मतलब आपने जो भी एडिटिंग अप्लाई की है वो सारी हट जाएगी। तो हम यहाँ पे इनको हटाते हैं, तो इसके लिए रिसेट इमेज पे क्लिक करना है। तो हमने स्टार्टिंग में जो इमेज इम्पोर्ट की थी उसी स्टेट में ये फिर से चली गई है। अभी के लिए हम इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ इमेज ऑप्शन दिखेंगे जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिए हैं। फिर राइट साइड में है रिप्लेस इमेज, तो इस पे क्लिक करके इस इमेज को आप कोई दूसरी इमेज से रिप्लेस करवा सकते हो। तो ये सब थे टूल बार में इमेज को एडिट करने के ऑप्शंस। इसके अलावा अगर आप फॉर्मेट टैब पे जाओ तो यहाँ पे भी आपको इमेज को एडिट करने के वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे क्रॉप इमेज, रिप्लेस इमेज, इमेज ऑप्शंस। उसके नीचे बॉर्डर्स एंड लाइंस है जहां से आप बॉर्डर का वेट और बॉर्डर टाइप को एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इमेज को सेलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करो तो यहाँ पे भी आपको क्रॉप इमेज, रिप्लेस इमेज और वही इमेज ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप इमेज का कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हस्की एंड यहाँ पे लिख देता हूँ रनिंग ऑन स्नो। तो यहाँ पे हमने इस इमेज का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है। ये अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जिनको पढ़ने में तकलीफ होती है या जिनकी आई साइट चली गई है, तो वो कोई स्क्रीन रीडर के जरिए इस इमेज का डिस्क्रिप्शन भी सुन सकते हैं। हम इस इमेज पे फिर से राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन भी दिखेगा, तो इस पे क्लिक करके इस इमेज के बारे में आप कुछ भी कमेंट ऐड कर सकते हो। लेट से मैं लिख देता हूँ वेरी अडोरेबल और फिर मैं कमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे इस इमेज का कमेंट ऐड हो गया है। इसके अलावा आपको यहाँ व्यू मोर एक्शंस दिखेंगे जहाँ पे क्लिक करके आप इस इमेज में कुछ एडिट सजेस्ट कर सकते हो या इसमें कुछ इमोजी रिएक्शन ऐड कर सकते हो। इसके बाद सेव टू कीप का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करके आप इस इमेज को गूगल कीप में सेव करवा सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में गूगल कीप ओपन हो गया है और ये इमेज गूगल कीप में सेव हो जाएगी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है चेंज पेज टू लैंडस्केप, मतलब ये इमेज अभी पोर्ट्रेट पेज में है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इमेज का पेज है वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी अपनी इमेज है वो लैंडस्केप पेज में कन्वर्ट हो गई। तो अभी तक हमने लैपटॉप यूज करके एक गूगल डॉक्यूमेंट में इमेज को इम्पोर्ट एंड एडिट करना सीखा। इसके बाद हम यही ऑप्शंस मोबाइल में चेक करेंगे। तो गूगल डॉक्स के मोबाइल ऐप में इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको टॉप में प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको इमेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने के 3 ऑप्शंस दिखेंगे, आप अपनी फोटो से इमेज को इंसर्ट कर सकते हो या कैमरा ऑन करके फिर इमेज इंसर्ट करवा सकते हो, या फिर आप यहाँ वेब पे सर्च करके भी इमेज को इम्पोर्ट करवा सकते हो। यहाँ पे भी हम थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लेट्स मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डॉग, तो यहाँ पे डॉग्स की काफी इमेजेस ओपन हो जाएगी। एंड कोई भी इमेज पे क्लिक करके आप उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो या यूजर्स राइट चेक कर सकते हो। तो ये इमेज है वो सब्जेक्ट टू कॉपीराइट है, बट इस छोटे से डेमो के लिए मैं यही इमेज को इंसर्ट करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये इमेज ओपन हो गई है। नेक्स्ट हम इस इमेज को एडिट करने के ऑप्शन चेक करेंगे, तो आपको इस इमेज पे क्लिक करना है, तो आपको नीचे यहाँ एडिटिंग के कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे इसका बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो, लेट से मैं रेड कर दिया। उसके बाद यहाँ बॉर्डर वेट है उसको भी आप बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आपको टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शंस भी दिखेंगे, जैसे इनलाइन, रैप टेक्स्ट, ब्रेक टेक्स्ट। लेट से हम रैप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे आपको मार्जिन एडजस्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, लेट से हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो मार्जिन से इमेज और टेक्स्ट के बीच का गैप है वो बढ़ जाएगा। इसके नीचे पोजिशन का ऑप्शन है, तो मतलब इस इमेज को टेक्स्ट के साथ मूव करवाना है या इसकी पोजिशन को फिक्स कर देना है। लेट से हम इसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग के साइड में इमेज का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके इस इमेज को आप फोटोज या कैमरा से कोई दूसरी पिक्चर लेके रिप्लेस करवा सकते हो। तो आई बिलीव गूगल डॉक्स के मोबाइल ऐप में इमेज को एडिट करने के आपको ये लिमिटेड ऑप्शन ही मिलेंगे।
इस वीडियो में हमने लैपटॉप एंड मोबाइल दोनों डिवाइसेज यूज करके गूगल डॉक्स में इमेज को इंसर्ट करना सीखा। इसके अलावा हमने इमेज को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।